दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर लॉकडाउन का मामला क्या हुआ है। लॉकडाउन के कारण ये देख रहे हो हमारे बॉक्स कैसे हो गए हैं। ये आप देख रहे हो भाई, ये वाइट वाइट सा पता नहीं क्या लग गया यार। ये रीज़न हुआ है लॉकडाउन के कारण, ना ही लॉकडाउन होता ना ही हमारे बॉक्स ऐसे ख़राब होते। रीज़न ये था कि यहाँ पर मेरे सामान रखे गए थे और इसे यूज़ भी नहीं किया गया। मैं कुछ दिन बाद देखा तो मैंने सोचा यार ये क्या हो गया। देखा तो यहाँ पर यार वाइट वाइट सा पूरा लगा हुआ था। ये पता नहीं कौन सा चीज़ है, ये क्या है, यहाँ पर ऐसे सामान रख दिया था। क्योंकि दुकान मैंने छोड़ दी इसलिए कि दुकान का किराया कौन भरेगा भाई, सही है इतना, तो मैंने दुकान को छोड़ दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे जो डुबल 12 हैं उसमें ये वाइट सा पता नहीं कौन सा चीज़ है, क्या है मुझे नहीं पता यार, आई डोंट नो, बट पता नहीं क्या लग गया है। बट इससे नुकसान कोई नहीं होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसे आप साफ़ कर दो तो फिर ऐसे हो जाता है, देख सकते हो पीछे जाला भी लग गया है, ठीक है। तो ऐसा सीन है। और आप लोगों को अभी हम इसकी साउंड टेस्टिंग दिखाएंगे, क्योंकि यार हमने इसे बजाकर भी देखा है कि कैसा फील हो रहा है। तो हम इसकी साउंड टेस्टिंग भी दिखाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि वाइट सा सब जगह लग गया, सब कोने में लगा हुआ है। तो चलिए आप लोगों को साउंड टेस्टिंग दिखाते हैं और कैसे रहेगा साउंड, और इसमें ये भी बताएंगे कौन कौन से हमने स्पीकर्स डाल रखे हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये तो JBL मॉडल है। तो इस बॉक्स में हमने डाल रखे हैं एक्सपो के 225 वाट, और यहाँ पर ये जो बॉक्स बनता है ये 500 से भी ज़्यादा वाटेज का बनता है, सही है। तो फिर यहाँ पर 225 यानी कि 525 लगभग ये वाट बन रहा है HF लेकर, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर रखे हैं 4 बॉक्स। और आपको बता दें कि यहाँ पर वायरिंग हमने कर दी है, और 701 स्ट्रेंजर का PVT 701 से हम बजाएंगे। और ओवरलोड तो बेसिकली रहेगा ही रहेगा, बट हम साउंड टेस्टिंग के लिए ही बजा रहे हैं। और आप देख सकते हो कैसा साउंड आएगा और कैसा फील हो रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। और हमने अपने DJ फ्रेम के ऊपर इस एम्पलीफायर को रख दिया।